नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। बधाइयों में नहीं है गणतंत्र दिवस का महत्व। आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन बधाइयों में प्रशासन की शिथिलता के चलते यहाँ कोई गणतंत्र दिवस का महत्व नहीं है। बदायूं जिले में सरकारी भवनों तथा थाना जैसे जगह पर भी ध्वजारोहण नहीं किया गया। हमारे देश में जहां एक और पूरे भारतवर्ष में 70वें गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं की तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मई वसई के कर्मचारियों द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी तस्वीर थाना फैजगंज बेहटा की आसफपुर चौकी की है, जहां चौकी इंचार्ज समेत किसी स्टाफ ने नहीं किया ध्वजारोहण। तो वहीं तीसरी तस्वीर बिसौली के ओरिएंटल बैंक की है। बिसौली ओरिएंटल बैंक के मैनेजर ने नहीं रखा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ओरिएंटल बैंक के मैनेजर सहित सभी कर्मचारी राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं आए। जब ओरिएंटल बैंक के कर्मचारी से राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि आज छुट्टी है, आप मैनेजर साहब से बात कर लीजिए। जब मैनेजर साहब से बात करनी चाहिए तो उनका मोबाइल बंद पाया गया। आज सब पूरा देश का सम्मान कर रहा है झंडे का। यहाँ कोई अधिकारी आता है, कभी कभी खुलता है ये, लेकिन आज किसी ने ध्वजारोहण नहीं किया। नहीं, कौन है यहाँ पर डॉक्टर? यहाँ डॉक्टर का पता नहीं, यहाँ पर एक चौकीदार है अजय। तो डॉक्टर वगैरह कभी आते हैं? कभी कब आते हैं डॉक्टर? लेकिन झंडा किसी ने फहराया? नहीं।